नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ को किया फोन, पिता को भारत रत्न दिए जाने पर दी बधाई। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ को किया फोन, पिता को भारत रत्न दिए जाने पर दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। बुधवार सुबह पीएम ने दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के बेटे राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को फोन किया और बधाई दी है। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि यह 34 साल की तपस्या का फल है। प्रधानमंत्री को भी इस बारे में चिट्ठी लिखी थी। दिग्गज समाजवादी नेता और जननायक कर्पूरी ठाकुर का भारत रत्न से मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। मोदी सरकार ने यह फैसला कर्पूरी ठाकुर के 100वें जयंती से ठीक एक दिन पहले लिया है। बुधवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को फोन किया और बधाई दी है। पीएम मोदी ने कर्पूरी को याद में किया है। पीएम ने सुबह करीब 9 बजे रामनाथ को कॉल किया था। रामनाथ ठाकुर जेडीयू से राज्यसभा सांसद है। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। वही केंद्र सरकार के इस फैसले पर कर्पूरी के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा, 34 साल का संघर्ष है तब जाकर उनके पिता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री को भी इस बारे में चिट्ठी लिखी थी। अब इसका ऐलान किया गया है तो इससे वो काफी खुश है। रामनाथ ठाकुर ने आज तक से बातचीत में कहा कि मुझे बहुत खुशी है। इत्यादि ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बेहद गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। इसके बावजूद अपना विनम्र स्वभाव और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहे। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाना, गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना,
हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। आप सभी उनके बारे में पढ़े, उनके आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे आपके व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी।